और फिर तीसरा मोती सुनो दुरूद पाक दा और अपने ईमान ताजे करो। हाजी ने कहा मैं नमाज पढ़ने वाला हूं, अगर सर्दियों की बात करिए यखबस्ता ठंडिया रात और सुबह बिस्तर छोड़ना इंतहाई मुश्किल, लेकिन फिर भी जड़े माशाल्लाह नमाज पढ़ने वाले नमाज वास्ते आए, नमाज वास्ते वुजू भी कीता, ठंड भी बर्दाश्त की, नमाज पढ़ी भी, लेकिन कितनिया एहतियात मौजूद आईया, विखावे वास्ते ना पढ़े मुंह ते मार दिसाई, जल्दी जल्दी ना पढ़े मुंह ते मार दिसाई, जेनी विखा के पढ़ियो तामी कबूल कोई नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ियो तामी कबूल कोई नहीं, जे वुजू कामिल ना होया तामी कबूल नहीं, जे सजदा ठीक ना होया तामी कबूल नहीं, जे रकू दे अंदर कोई कमी बेशी आ गई तामी कबूल नहीं, जे कयाम अंदर कोई कमी बेशी आ गई तामी कबूल नहीं, जे रियाकारी दा उनसर सामने आया तामी कबूल नहीं। हो सकता सारिया ठीक करे, वुजू भी कामिल, कयाम भी कामिल, रकू भी कामिल, सजदा भी कामिल, लेकिन पीछे अगर तेरा लुकमा हराम होया तामी कबूल नहीं, अगर तेरे मां बाप तेरे ते नाराज होए तामी कबूल नहीं है, लेकिन दरूदे पाक ऐसी इबादत है अल्लाह दी कसम है जिस हाल लाल करेगा अल्लाह सोना उसे हाल अंदर कबूल फरमा लेगा। हाजी ने गरम भी कर और आओ तवज्जो दे आए, अगली गाल फरमाया गया सल्लू अलैहि दरूद पढ़ो वसल्लिमू तस्लीमा, ठीक ठीक मेरे शाह दी बारगाह दे अंदर सलाम भी भेजने,